सदन में रेल बजट पेश करते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा, बेहतर फैसले और प्लानिंग से रेलवे का भविष्य बेहतर होगा। वेतन आयोग की सिफारिशों से बजट पर असर हुआ है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक 11.67% वेतन ज्यादा मिलेगा। सुरक्षा के लिहाज से बीच बोगी में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होगा। हर कैटेगरी में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित। बेबी फूड, हॉट वाटर की सुविधा होगी। सुविधा में दूध दवाएं जोड़ी जाएंगी। SMS के जरिए ट्रेन में यात्री सफाई की मांग कर सकेंगे, जिसके लिए क्लीन माई कोच सेवा। पत्रकारों के लिए किफायती बुकिंग। 408 स्टेशन पर होगी ई टिकटिंग की सेवा। बजट में 4 नई ट्रेनों का ऐलान किया गया है। हम सफर ट्रेन पूरी तरह से थर्ड एसी होगी। तेजस के नाम से नई ट्रेनें चलेंगी। तेजस 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। व्यस्त रूट पर डबल डेकर एसी ट्रेन उदय एक्सप्रेस चलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने रेल बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि रेल बजट में देश के विकास की कोशिश है। रेल बजट का अर्थव्यवस्था पर दूरगामी असर होगा। साथ ही रेल में 2.5 गुना निवेश का मौका होगा। रेल बजट के लिए पीएम ने रेल मंत्री को दी बधाई। यूपी सरकार के मुकाबले प्रभु का बजट बेहतर। रेलवे में IT सहित नई टेक्नोलॉजी, अधिक पूंजी निवेश एवं अमलीकरण को असरदार बनाते हुए यह रेल बजट देश की अर्थव्यवस्था में दूरगामी सकारात्मक योगदान करेगा। पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल ने कहा कि रेल बजट में कुछ खास नहीं दिखा। जो घोषणाएं मेरे कार्यकाल में हुई थी उन्हीं को दोहरा दिया गया है। आज कोई नई चीज नहीं करके दिखाई इन्होंने कि हम ये एक नई सेवा दे रहे हैं जो आज तक पहले कोई सोच ही नहीं सकता था। ये खाने का, ये सफाई का, ये बायो टॉयलेट्स का, ये सब नए हैं। इन्होंने बहुत चीजों का अपने के लिए क्रेडिट लेने की कोशिश की है कि हमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वो बताया है कि नई चीज शायद बहुत पहले की है। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बहुत साल पहले लुधियाना में आके उसके लिए उसकी शुरुआत की थी। पूर्व रेल मंत्री लालू यादव ने भी रेल बजट 2016 पर निशाना साधा। लालू ने कहा, बजट बहुत हल्का था, इसमें कुछ खास नहीं था। रेलवे पटरी से उतर गया है। देश को बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए। मोदी ने जिनको ज्ञान नहीं है, एक क्षण भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। इतना बड़ा घटिया बिलो बेल्ट प्रधानमंत्री जिसको संविधान का ज्ञान नहीं है, वो आदमी इस तरह का बात बोला। कमल कार्ड खेला। जैश ए मोहम्मद का आतंकी सादिक गुर्जर को जम्मू कश्मीर के बारमूला से गिरफ्तार किया गया। सादिक पाकिस्तान के सियालकोट का रहने वाला है। जेल से रिहाई के बाद संजय दत्त ने मुंबई में एक प्रेस वार्ता की। संजय दत्त ने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जज ने कहा कि वो आतंकवादी नहीं है, आजादी को महसूस कर रहे हैं। संजय दत्त ने कहा कि पत्नी मान्यता उनकी बेटर हाफ नहीं बेस्ट हाफ है। यरवडा जेल से बाहर आकर संजय दत्त ने तिरंगे को सलाम किया और धरती मां को प्रणाम किया। संजय दत्त को लेने उनकी पत्नी मान्यता और डायरेक्टर राजू हिरानी पहुंचे थे। मुंबई में संजय दत्त अपनी मां नरगिस दत्त की कब्र पर बड़ा कब्रिस्तान भी गए, जहां उन्होंने अपनी मां को दी श्रद्धांजलि। राज्यसभा में अपने जोरदार भाषण से स्मृति ईरानी ने विरोधियों को चित कर दिया। वहीं पीएम मोदी भी स्मृति ईरानी के इस अवतार से खुश हुए। उन्होंने स्मृति ईरानी के भाषण का यूट्यूब लिंक अपने ट्विटर पर शेयर किया और साथ में सत्यमेव जयते लिखा। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को ISIS ने भी धमकी। ISIS ने 25 मिनट का वीडियो जारी किया है। ISIS ने मार्क के साथ ट्विटर के सीईओ जैक डोर्स को भी दी धमकी। एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को यात्रा के दौरान हत्या कर देने की धमकी दी है। पीलीभीत के थाना पूरनपुर के कस्बा चौकी पर तैनात दरोगा को एक शख्स ने उसकी ही रिवॉल्वर छीनकर गोली मार दी, जिसे दरोगा की मौत हो गई। आरोपी ने वहां से गुजर रहे दो युवकों को भी निशाना बनाया। आरोपी पुलिस की हिरासत में है। प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाने में पहरा दे रहे होमगार्ड की हत्या कर दी गई। बदमाश थाने के अंदर घुसकर अपने गिरफ्तार साथी को छुड़ाने के लिए आए थे।
बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की और बमबारी की, लेकिन जब होमगार्ड महादेव ने विरोध किया और लॉकअप की चाबी नहीं दी तो उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। गोरखपुर के खजरी थाना क्षेत्र के छताई गांव के पास बाइक सवार दो मासूमों को ट्रक ने रौंद डाला। दोनों छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक और ट्रक को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। गोरखपुर के सहजनवा थाना क्षेत्र के हाईवे पर लूट की तीन वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से बाइक, मोबाइल, नकदी और असलाह बरामद हुआ। फरुखाबाद में एक महीने तक कल्पवास कर रहे पुण्य कमाने के बाद साधु संत और लोग घर लौटने लगे हैं। लोगों की वापसी के बाद कल्पवासियों की झोपड़ियां उजड़ रही हैं। परिजन बुजुर्गों को लेने पहुंचे हैं। लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी मुख्यालय का उद्घाटन किया। यहां जेएनयू के मुद्दे पर अमित शाह ने राहुल गांधी से सवाल किया कि राहुल बताएं कि देश विरोधी नारे और नारे लगाने वालों को क्या मानते हैं। गोरखपुर पुलिस ने बैटरी और मोबाइल की दुकान चलाने की आड़ में चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले चार लुटेरों को गिरफ्तार किया है। चारों दो बाइकों पर जा रहे थे कि चेकिंग के दौरान ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। फरुखाबाद के आदर्श भारतीय इंटर कॉलेज नगला घरुआ के केंद्र व्यवस्थापक सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। इस परीक्षा केंद्र पर 500 रुपए में 100 पेपर उपलब्ध कराए जा रहे थे।